वालेकुम, फूड कोर्ट में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे भिंडी फ्राई, और आज की भिंडी फ्राई जो हम बनाएंगे वो हरी मिर्च के साथ बनाएंगे। तो भिंडी फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा किलो भिंडी, जिन्हें धो के खुश किया है और उसके बाद हाफ इंच के टुकड़ों में मैंने गोल गोल काट लिया है। 1 टीस्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 15 मैंने लिए तीखे वाली हरी मिर्चें, 1 छोटा प्याज लिया है जिसे पतला काट लिया है, 1 टेबल स्पून भर के लिया है लहसुन का पेस्ट, ये अभी फ्रेश कूटा है। अच्छा, 1 टेबल स्पून लिया है लेमन जूस, नमक हसब जायका, 1/2 कप लिया है मैंने सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं होता, जो सब्ज़ी जो गलती है वो ऑयल के साथ ही फिर गलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे ये सरसों का तेल। अच्छा, ये तेल मैंने गर्म करके ठंडा किया हुआ है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तेल हल्का सा गर्म होगा तो उसके बाद डालेंगे इसमें ज़ीरा। तेल गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे ये ज़ीरा, इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। ये ब्राउन होने लगा है, तड़कने लगा है, अब इसके साथ डालेंगे प्याज। प्याज एक छोटा सा लिया है, ज़्यादा प्याज नहीं लेनी। हीट इस वक्त मीडियम लो है और इसको मैंने गोल्डन करना है प्याज को। भिंडी फ्राई काफ़ी सारे तरीक़ों से बनती है, और इस तरह से हरी मिर्च के साथ बनाएं तो ये भी बहुत टेस्टी बनती है, जल्दी भी बनती है और टेस्टी भी बहुत बनती है। प्याज हमारा हल्का हल्का सुनहरा होने लगा है, ये देखें हल्का सुनहरा हो गया, और अब हम इसमें डालेंगे ये भिंडी। साथ इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च, लहसुन, इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, भिंडी को अगर आप खुश करके काटेंगे और खुश करके बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेस नहीं छोड़ती। अब इसमें डालेंगे ये लेमन जूस, और आग को थोड़ा कम करके और हल्का करके हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, और जब ये गल जाएगी तो फिर इसमें नमक डाल लेंगे, भिंडी तैयार होगी। भिंडी को हल्की आग पे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। भिंडी गल गई है, अब हम इसमें डालेंगे हसबे जायका नमक। नमक बिल्कुल एंड में डालना है, शुरू में डाल देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लेस छोड़ देती है। फिर ये नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी सी इसके अंदर से हरी मिर्चों की खुशबू आ रही है, और ये बेसन की सादी रोटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है बस। और लेस भी देखें, इसमें ज़रा सा लेस नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। भिंडी हमारी तैयार है, चूल्हा हम बंद करते हैं और सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। भिंडी फ्राई हमारी तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।